तो जैसा आप देख रहे होंगे आपको यहाँ पे दो मीवी रोम 2 देखने को मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप इस दोनों को कनेक्ट करके इससे स्टीरियो इफेक्ट ले सकती हैं, यानी कि इसे पेयरिंग करना मैं आपको सिखाऊंगा। तो आपको मैं पेयर करके दिखाऊंगा कि किस तरह से ये पेयर होता है और कैसा इसका एक्सपीरियंस है और क्या इसकी क्वालिटी इंक्रीज होती है और कितना इसका लाउडनेस इंक्रीज होता है और कैसी इसकी क्वालिटी ओवरऑल रहती है। तो चलिए इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्स क्यों, अनबॉक्स तो हो चुका है। अगर आपने अनबॉक्सिंग नहीं देखा तो आपको ऊपर में वीडियो शो हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकती हैं। उस वीडियो में मैंने इसके सारे स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स, जितने भी इसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, वो सारे डिस्कस किया गया, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिखने को मिल जाएगा। तो इसे साइड में रखते हैं और अपने स्पीकर को लाते हैं। तो ये हमारा स्पीकर, अब चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। दोनों स्पीकर को अब हम लोग ऑन कर लेते हैं। तो मैंने इस दोनों स्पीकर को ऑन कर लिया। तो इसे पेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये जो आपको यहाँ पे प्ले बटन मिलता है इसे आपको डबल टैप करना है। तो जैसे आप इसे डबल टैप करेंगे ये थोड़ा सा वेट करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा और एक दूसरे से पेयर हो जाएगा। अगर आप एक बार पेयर कर देते हैं तो आप जैसे ही दोनों स्पीकर को ऑन करते हैं वो ऑटोमेटिक एक दूसरे से पेयर हो जाता है। तो इसी तरह से आप इसे पेयर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब रही बात की, अब ये एक दोनों तो पेयर हो गया। पेयर होने के बाद जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसमें आपको ब्लिंक करना बंद हो गया है। ये पेयर हो चुका है इस स्पीकर के साथ, लेकिन ये ब्लिंक कर रहा है। ये ब्लिंक इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप या पीसी चाहिए। तो अब आपको अपना सिंपली मोबाइल फोन ऑन कर लेना है, मोबाइल फोन का ब्लूटूथ, उसके बाद इसे पेयर कर लेना है और आपका ये दोनों हो जाएगा सेटअप। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। तो मैंने अपने स्मार्टफोन में ब्लूटूथ ऑन कर लिया। यहां पे आपको अवेलेबल डिवाइस में मीवी रोम 2 दिख रहा है, इसे मैं सिंपली प्रेस कर दूंगा। तो ये हो चुका है हमारा पेयर्ड। इस दोनों में आपको लाइट ब्लिंक करना बंद हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों पेयर्ड हो चुका है। तो चलिए अब ये तो हो गया पेयरिंग की बात ही, अब चलिए करते हैं इसका साउंड क्वालिटी टेस्ट कि ये लेफ्ट राइट साउंड वर्क करता है या नहीं। जैसे मैं यहाँ पे से इस लेवल को पूरी तरफ लिफ्ट करूंगा तो सिर्फ ऑनली लेफ्ट का बजेगा और राइट करूंगा तो सिर्फ राइट का बजेगा। तो आप एक्सपीरियंस कीजिए कि ये कैसे वर्क कर रहा है। मैं स्मार्टफोन पे यहाँ स्विच करूंगा तो यहाँ भी स्विच होगा, तो मैं माइक्रोफोन को स्विच करके आपको सुना दूंगा आवाज किसमें से आ रही है और किसमें से नहीं आ रही है। तो आप लोगों ने देख ही लिया, तो ये प्योर स्टीरियो वर्क करता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने लेफ्ट किया तो लेफ्ट वाला वर्क किया, जैसे मैंने राइट किया तो राइट वाला ही वर्क किया। जब मैंने पॉइंट को मिडिल में लाया तो ये स्टीरियो वर्क करने लगा। स्टीरियो वर्क करने का मतलब ये है कि अब ये दोनों स्पीकर वर्क करेगा लेफ्ट चैनल और राइट चैनल के अकॉर्डिंग। जैसा आपका म्यूजिक होगा, साउंड होगा, उसी अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। आपने एक चीज गौर किया होगा, जब मैं आपको साउंड टेस्ट दिखा रहा था, मैंने मोबाइल से लेफ्ट स्पीकर ऑन किए हुआ था तो वो लेफ्ट बज रहा था, और जैसे मैंने राइट पे स्विच किया ये दिखलाने के लिए कि राइट पे वॉल्यूम नहीं आ रहा है, लेकिन आपको हल्का हल्का वॉल्यूम सुनाई दे रहा होगा, तो वो राइट का वॉल्यूम नहीं बल्कि वो लेफ्ट का वॉल्यूम है। तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि वो राइट में बज रहा है, वो राइट पे नहीं बज रहा है, वो लेफ्ट का वॉल्यूम आपको वहां पे हल्का हल्का सुनाई दे रहा होगा। लेकिन वो आपको इसलिए सुनाई दे रहा है क्योंकि दोनों स्पीकर बहुत ही नजदीक रखा हुआ है। तो ये आपका डाउट हो सकता था, तो मैं इसे सॉल्व कर दिया। तो आई होप आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं देखने को मिलती है, ये परफेक्टली वर्क करता है। अब रही बात लाउडनेस की, तो लाउडनेस बहुत ही ज्यादा इसमें आपको देखने को मिलती है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतना छोटा छोटा स्पीकर इतना ज्यादा लाउड होगा। जब आप इसे परचेस करेंगे और इसे यूज करेंगे तो आप इसके रियल पोटेंशियल को जान पाएंगे। बहुत ही ज्यादा ये लाउड स्पीकर आपको देखने को मिलता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसके लाउडनेस में, कोई भी आवाज में क्रैक्स नहीं देखने को मिलती है। बहुत ही अच्छे से इसके वोकल्स, लिरिक्स, म्यूजिक सब आपको सुनाई देती है। ओवरऑल ये स्पीकर बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी के साथ आता है। अगर आपने इस प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी शो हो रहा होगा। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।